अब 25 तारीख को हम उसके अस्थि कलश लेने के लिए गए, तो हम वहाँ शमशान में देखते तो हम भौचक के रह गए। रात को कोई लोग आके वहाँ पे कोई तंत्र विद्या करके गए, उसके अस्थि के चारों तरफ धागा बांध रखा था 25 तारीख की सुबह, और बहुत सारे मिष्ठान और पता नहीं कौन कौन सी सामग्री थी उसमें, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये की सामग्री, अंडे फलाना ढीकड़ा जो भी सामग्री लगती तंत्र विद्या में वो यूज़ करी थी उसकी चिता को, या तो कुछ दुख पहुँचाने के लिए या फिर कुछ ग्रहण करने के लिए। मदार शमशान घाट पर युवक के अंतिम संस्कार के बाद शमशान स्थल पर तांत्रिक क्रिया से परिवार भयभीत। मृतक हेमंत की चिता के पास तांत्रिकों ने किया कर्मकांड, परिवार ने पुलिस को दी इत्तला। गुलाबबाड़ी मिस्त्री मोहल्ला में रहने वाले 42 वर्षीय हेमंत कुमार का 23 जनवरी को निधन हो गया था। परिवार के लोगों ने 24 जनवरी को हेमंत के शव का अंतिम संस्कार MD कॉलोनी नाका मदार शमशान गृह में कर दिया। दूसरे दिन जब परिवार के लोग शमशान स्थल पर अस्थियां लेने पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जिस स्थान पर हेमंत का अंतिम संस्कार किया गया था उसी स्थान पर रात के समय किसी ने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल कर कर्मकांड कर उस स्थान को बांध रखा था। इस दृश्य को देखकर परिवार के लोग भयभीत और चिंतित हो गए। मृतक हेमंत के बड़े भाई नौरत ने बताया कि शमशान स्थल का वह दृश्य देखकर बुरी तरह से डरे हुए हैं। कहीं मृतक हेमंत की आत्मा को परेशान करने के लिए किसी ने यह कृत्य किया है या फिर परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसका तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं। लेकिन जहां चिता जलाई गई थी वहीं काफ़ी संख्या में अलग अलग तरह की सामग्री, मेवा मिष्ठान आदि पड़ा होने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां जरूर रात के समय किसी ने तंत्र विद्या कर मृतक हेमंत की चिता के साथ कोई खिलवाड़ किया है। हालांकि इस आशय की शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने भी उन्हें अपने हिसाब से कर्मकांड करने की नसीहत देकर पल्ला झाड़ लिया। देखिए हमारा ब्रदर था छोटा, 24 तारीख की को हमने उसको दाह संस्कार किया था, है ना, 23 तारीख को गुजरा था, तो 24 तारीख का उसका दाह संस्कार कर अच्छी तरह कर दिया हमने MD कॉलोनी नाका मदार वाले शमशान में ले जाके। अब 25 तारीख को हम उसके अस्थि कलश लेने के लिए गए, तो हम वहाँ शमशान में देखते तो हम भौचक के रह गए। रात को कोई लोग आके वहाँ पे कोई तंत्र विद्या करके गए, उसके अस्थि के चारों तरफ धागा बांध रखा था 25 तारीख की सुबह, और बहुत सारे मिष्ठान और पता नहीं कौन कौन सी सामग्री थी उसमें, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये की सामग्री, अंडे फलाना ढीकड़ा जो भी सामग्री लगती तंत्र विद्या में वो यूज़ करी थी उसकी चिता को, या तो कुछ दुख पहुंचाने के लिए या फिर कुछ ग्रहण करने के लिए उसको परेशान किया गया, या और कुछ कोई भी कारण हो वो हमको तो मालूम भी नहीं है, हमारा तो किसी से कोई वो भी नहीं है। तो ऐसे करके फिर पुलिस प्रशासन को बुलाया हमने, पुलिस प्रशासन ने कहा कि बोला आप ऐसा करो, पहले इसकी बॉडी को दुख मत दो, इसको जहाँ पे आपको पहुँचाना है हरिद्वार या पुष्कर जी, तो आप इसको ले जाओ, पहले इसको विसर्जन करो, फिर ऐसा दिलासा देकर वो चले गए। हमने भी कोई कानूनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, है ना। अब हमारे घर वाले भी परेशान हैं कि कोई हमारे भविष्य में हमारे परिवार के लिए या फिर हमारे भाई की आत्मा को कोई परेशान नहीं करे, इसलिए हम थोड़ा परेशान हैं। तो अब क्या मुकदमा दर्ज किया हुआ है? अब क्या मुकदमा दर्ज करवाना भैया, जो जाने वाला गया अब क्या करेंगे। हाँ, हमारे भाई को आत्मा को दुख नहीं पहुंचे बस, ताकि आगे से कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हो, बस यही है। नहीं, हमको ऐसी नॉलेज ही नहीं थी कि भाई अस्थियां कोई चोरी करके ले जाता तो उसका मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता है, हमको ऐसी नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि पहला कभी 80 साल से हमारे बुजुर्गों से भी पूछा तो पहले बोले ऐसा कभी केस हुआ ही नहीं किसी शमशान में कि रात को आके उसके किसी चिता को सताए या कुछ करे या अस्थियां चोरी करके ले जाए। अब वो अस्थियों का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बची कुछ अस्थियां हमने इकट्ठी करके गंगा जी में विसर्जन करके आ गए। क्या नाम था आपके भाई का? हेमंत कुमार। अच्छा, क्या उम्र थी उनकी? 42 वर्ष। अच्छा, तो कितने भाई थे आप? हम 6 भाई थे, उसमें वो 5वें नंबर का ब्रदर था हमारा। हमको बहुत दुख हो रहा है, चलो हमारा भाई गुजर गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके अस्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो बहुत हमको बहुत दुखी करता है, और एक चिंता ये सताई जाती है कि उसके अस्थियों का इस्तेमाल करके कहीं हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए या हमारे भाई की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए।